अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, दिस इज डॉक्टर सागन और आज हम बात करने वाले हैं मैकडी के बारे में। मैकडी की इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो में आप सीखने वाले हैं व्हाट इज मैकडी, पार्ट्स ऑफ मैकडी, मैकडी को कैसे अप्लाई किया जाता है ऑन चार्ट्स और उस पर कंपनीज को कैसे एनालाइज किया जाता है, उनके कौन से चार्ट्स, कौन से अप्स एंड डाउन्स चेक किए जाते हैं, कब आप मैकडी की सिग्नल्स को देख के बाय करें, कब मैकडी की सिग्नल्स को देख के सेल करें, कब मैकडी के सिग्नल्स को आप देख के उसको होल्ड करें, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। एंड स्पेशली आप लोगों के लिए मैं एक सीक्रेट सॉस लाने वाला हूँ, दैट इज़ के बाय डिफ़ॉल्ट जो मैकडी की सेटिंग्स आती हैं वो तो आपको सब कोई बता देगा कि मैकडी में ये लाइन इसको क्रॉस करें, इसको ऐसे करें, बट आई विल टेल यू द सीक्रेट सेटिंग्स दैट विल हेल्प यू टू शार्पन योर टूल। और जो सिग्नल दूसरे बाय डिफॉल्ट के मैकडी में लेट आ रहे होते हैं और लोग बहुत लेट जाके बाय करते हैं और कहते हैं कि यार मैकडी काम नहीं करता, आई विल शार्प दैट टूल, क्योंकि आपको वो फिर अर्ली सिग्नल आपके पास आ जाए और आप अर्ली बाय या सेल करके आप मैकडी की एनालिसिस के थ्रू प्रॉफिट बना सकें। एंड विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मैकडी। ऑलराइट, बैक टू द स्क्रीन। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को मैकडी को अच्छी तरह समझ जाते हैं। मेक श्योर आप एक पेन और पेपर ले लें और इस चीज़ को गौर से समझें, और स्पेशली जब मेरी वीडियो सुने तो मेक श्योर टू यूज़ अ लैपटॉप, उसके लिए बड़ी स्क्रीन की दरकार होगा, क्योंकि मैं सारे एनालिसिस लैपटॉप पे बताता हूँ और इट्स परफेक्ट टू अप्लाई योर एनालिसिस यूजिंग अ लैपटॉप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट इज मैकडी। तो मैकडी को समझने से पहले आप ये अंदाज़ा लगा लें, मैकडी एक टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत पॉपुलरली इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि सर मैकडी काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि अक्सर लोग मैकडी को अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे चला रहे होते हैं जो बहुत लेट सिग्नल दे रहा होता है और जिसकी वजह से लोगों को लॉस हो रहा होता है। सो डोंट वरी, हम अपना सीक्रेट सॉस भी शेयर करेंगे जिससे आप प्रॉफिट बना सकें और अर्ली सिग्नल्स आपको मिल सकें। अब बेसिकली हम मैकडी को समझते हैं कि मैकडी क्या होता है। मैंने एक इंटरनेट से ये तस्वीर ली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप अपने मेक श्योर कि आप scstrade.com इनकी टेक्निकल एनालिसिस का जो पेज है उन पे जाके और ये चार्ट ओपन करें, investing.com वाले को अवॉइड करें। इसमें पाकिस्तान की जो भी कंपनीज हैं वो अच्छी तरह लिस्टेड है और वो वेरी बेसिक एंड वेरी इजी टू यूज़ है। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, बट ये चीज़ मुझे मिली एंड आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विथ इट विथ माई ऑडियंस। एंड जब भी आप मैकडी अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस मेजर स्क्रीन पर आ जाएँ और क्लिक करें इंडिकेटर्स पे। यहाँ पहले सबसे पहले अपनी कंपनी चूज़ करें, जो भी कंपनी चूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन केस मैंने OGDC चूज़ किया था क्योंकि इसमें रिसेंटली ट्रेड कर रहा था। एंड वी ओपन दी OGDC एंड क्लिक ऑन इंडिकेटर। इंडिकेटर पे क्लिक करके आप यहाँ पे राइट करें मैकडी एंड ओपन द मैकडी। जब भी आप मैकडी ओपन करें तो इस तरह का आपके नीचे एक चीज़ लाइन्स क्रॉसिंग में आ जाते हैं। अच्छा, इन लाइनों को समझने से पहले हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जो बहुत इजी है, सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका। अब यहाँ पे आप ऊपर वाली इसको छोड़ दें, नीचे जो मैकडी है इसको समझने की कोशिश करें। इसमें तीन चीज़ें हैं, जो सबसे बीच में आप जो बड़े बड़े बार्स देख रहे हैं ग्रीन और इसके रेड कलर के जो बड़े बड़े बार बने हुए हैं, इनको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ऑलराइट, और जो ब्लू लाइन है हम इसको कहते हैं मैकडी लाइन, और जो रेड लाइन है उसे कहते हैं सिग्नल लाइन। इसको आप सिंपल बनाने के लिए, सिंपल वर्जन में, जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करे तो हम समझेंगे, जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ जाए तो एक बाय सिग्नल होता है, जिसका मतलब है कि हम अभी प्रॉफिट बनाने वाले हैं। और जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे क्रॉस करे, विच मीन्स रेड लाइन ऊपर आ जाए, तो विच मीन्स के अब ये नीचे जाने वाला है। तो इसको इस तरह समझें कि रेड लाइन जब दबाव डाल रहा है इसके ब्लू लाइन के ऊपर तो वो नीचे जा रहा है, जब ब्लू लाइन दबाव डाल रहा है तो ब्लू उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो ये वेरी बेसिक है। और इसमें एक और चीज़ समझने की चाहिए कि ये हम इसमें मिडिल रेफरेंस पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं जो ज़ीरो होता है, और जो भी हिस्टोग्राम ज़ीरो से नीचे होता है वो नेगेटिवली शो कर रहा होता है और जो नीचे के स्टॉक्स नीचे जा रहा होता है। और एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है इन ब्लू लाइन और रेड लाइन की क्रॉसिंग के अलावा, ये कि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बार होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बार स्ट्रांग है और यहाँ पे बार वीक होते जा रहे हैं, तो जब जब जो
बार है वो स्ट्रांग है, इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, ये ट्रेंड अभी कुछ दिन चलने वाला है। और जिस तरह ये बार वीक पड़ते जाएंगे, जिसका मतलब है कि ट्रेंड थोड़ा वीक पड़ जाए एंड देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि क्रॉस ओवर जनरेट हो और विद ट्रेंड रिवर्स कर जाए। अब इस केस में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लू लाइन ने क्रॉस ओवर दिया और यहाँ पे देखें जो रेड का ट्रेंड था वो ख़त्म होने था। यहाँ पे स्ट्रांग ट्रेंड था, रेड नीचे आ रहा था, हमने कोई बाइंग नहीं की। और जिस तरह ये यहाँ पे ट्रेंड वीक पड़ता गया, अब ये इंडिकेटर कर रहा है कि ट्रेंड जो रेड का जो नीचे का ट्रेंड था, बेरिश ट्रेंड था, वो कमज़ोर हो गया, अब क्रॉस ओवर भी जनरेट हो गया। तो एक परफेक्ट इंडिकेटर है कि आप अभी यहाँ पर क्रॉस ओवर जनरेट के बाद बाय करें। और जब जब आप फिर इसको बाय करते जाते हैं और आप देखते हैं कि ये स्ट्रांग यहाँ पर भी स्ट्रांग है, आप इसको होल्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ नीचे भी आ जाता है, लेकिन आपको मैकडी के हिस्टोग्राम कह रहे हैं कि अभी हम इसको होल्ड कर सकते हैं और ब्लू लाइन ऑलरेडी रेड लाइन से ऊपर है, तो विच मीन्स वी आर स्टिल इन अ परफेक्ट कंडीशन। लेकिन हम जैसे आगे जाते हैं तो यहाँ पर ये वीक पड़ता जाता है और जब जब यहाँ ये डगमगाने लग जाए तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे तो सेल की एक परफेक्ट कॉल आ जाती है जहाँ पे एक प्रॉपर क्रॉसओवर जनरेट होता है, तो हमें यहाँ पर अपने सेल करके एग्जिट करना चाहिए था और उसकी वजह से फिर ये यहाँ पे आ जाता है। लेकिन डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड था वो बहुत वीक था, जो हिस्टोग्राम से शो रहा है कि कितना वीक था। नो डाउट एक क्रॉसओवर जनरेट हुआ जिसकी वजह से जो हमें लगता है कि अब नीचे जाएगा, नो डाउट ये थोड़ा नीचे गया है, बट इट्स अ वेरी वीक ट्रेंड जो एक दो दिन चला और इतना स्ट्रांग नहीं था, उसको इतना नहीं लेके गया एंड अगेन इट वेंट अप। सो इस स्टॉक मार्केट नेवर गोज इन स्ट्रेट लाइन, इट ऑलवेज गोज लाइक ऊपर नीचे जाता रहता है, इट नेवर गोज इन यू नो आप कहें ना कि एक ही सीधी लाइन की तरह ऊपर जाए, इट्स नॉट गोइंग दैट। सो ऊपर नीचे जाता रहता है और ये हमें एग्जैक्टली वही सिग्नल दे रहा होता है कि कब हम ऊपर नीचे जो स्टॉक जा रहा है उसकी लहरों में हम कहाँ पर बाय करें, कहाँ पर सेल करें और कहाँ पर होल्ड करें। इसका एक आखिरी एग्जाम्पल दे दूँ, यहाँ पे हिस्टोग्राम देखें, इट्स अ वेरी स्ट्रांग सिग्नल, वेरी स्ट्रांग ट्रेंड जो हमें हिस्टोग्राम से शो हो रहा है। यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट हुआ जिसका यहाँ पे देखें, पहले अंदाज़ा लगाएं, यहाँ पे जो रेड ग्रीन ट्रेंड था वो कम होता गया और यहाँ पे फिर जैसे ही ग्रीन ट्रेंड कम हुआ यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट हुआ और क्रॉसओवर जनरेट होते ही नेक्स्ट डे हमारे यहाँ पे फिर एक ट्रेंड जारी हुआ। तो हमने क्रॉसओवर का फ़ायदा लिया, ट्रेंड का उल्टा होना एंड इट्स अ गुड सिग्नल कि अब ये नाम के नीचे जाने वाला है। तो हम अगर यहाँ पर भी अपना कोई शॉर्ट सेल का ऑर्डर डाल देते तो यहाँ पे आगे ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, तो वी कुड हैव मेड अ गुड प्रॉफिट इन दिस रिगार्डन अगर कोई भी बंदा इसको ट्रेड कर रहा है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। और यहाँ पे फिर आगे जाके फिर यहाँ पे ट्रेंड वीक हो रहा है एंड देयर इज अगेन अ क्रॉसओवर इज जनरेटेड। सो देयर दैट्स अ वेरी बेसिक ऑन दिस चार्ट। अब इसको हम खुद रियली अप्लाई करके देखते हैं और मैं आपको जो सीक्रेट शॉर्ट्स की सेटिंग्स हैं जो मैं आपको एग्जांपल के भी साथ दिखाऊंगा कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो कितनी वेट लेट है और कितनी कमजोर है, पर इस पर जो हम आपको सेटिंग्स बता रहे हैं। सो लेट्स गो ऑन टू द चार्टिंग सिस्टम। आपको मैंने बताया था कि चार्ट खोलें और सबसे पहले आप ये मैकडी का चार्ट हमने नीचे लगा है और ऊपर हमारे पास ओजीडीसी की कंपनी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर बहुत ब्लर लग रहा है तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है। तो आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ आ जाएगा। पहले आप इनपुट्स में आएंगे तो इनपुट्स ऑलरेडी आपके पास आ रहे होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो सेटिंग्स होती है वो 12, 26, 9। आपको इसको ऐसे करना है कि आप इसको करना है 5, 8 एंड अगेन 5, सॉरी डू इट 5 एंड ओके। सो ये हमने इसकी सेटिंग्स कर दी, हम इसको थोड़ा शार्पन करते हैं, थोड़ा नज़र अच्छी तरह आ जाए एंड वी विल डू दिस सेटिंग्स। आप इसको फॉलो अप कर लें एंड अगेन वी विल बोल्ड इट, बोल्ड दिस एज वेल एंड क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पर आप हम इसको स्ट्रांग कर चुके हैं और अपनी सेटिंग्स अप्लाई कर चुके हैं। उसी जगह दूसरे चार्ट्स पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो सिंपल है इंडिकेटर अप्लाई करते हैं और लिखते हैं मैकडी। तो यहाँ पे हम इतनी सेटिंग्स नहीं करते बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है और उसको शार्पन नहीं करते क्योंकि हमें इससे अंदाज़ा हो कि भाई ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर हमें दिखा रहा है, जो हमें सेटिंग्स मिल रही होती हैं वो हैं और ये हमारी सेटिंग्स हैं जो हमने इसको बोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे एक फ़ायदा देखें, हम इसको अभी अप्लाई करने वाले हैं कि बाय सिग्नल्स और सेल के सिग्नल्स कहाँ पर आने वाले हैं हमारे पास ओजीडीसी के केस में। ओजीडीसी बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है तो यहाँ पे इतना वो क्या कहते हैं तफरुक नहीं आएगा। हम इसके बाद हम TRG या नेटसोल भी लगाएंगे तो उस पर आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि बाइंग एंड सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम OGDC को यहाँ से पकड़ते हैं
ओके अब आप एक चीज़ नोट करें, हम इसको यहाँ से बाय जैन फर्स्ट पकड़ते हैं। अब 1 जनवरी से आप यहाँ चेक करें, यहाँ पे ये हमारा शार्पन टूल है 1 जनवरी से, और ये हमारा लूजली ट्रेड वो है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर दोनों जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो शो कर रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट हुआ है एंड यू शुड बाय। और यहाँ पे एक और चीज़ चेंज करें, देखें यहाँ से ट्रेंड वीक हुआ, वी अगर उसने इस ट्रेंड चेंज किया एंड देयर इज़ अ बाइंग कॉल, वी बॉट हियर, अगेन हमें ट्रेंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर ट्रेंड देखें वीक हो रहा है एंड इसी जगह फिर हमने वापस क्रॉस ओवर जनरेट हुआ एंड वी शुड हैव गॉट एग्जिटेड, इट्स वुड हैव बीन अ बेटर। और यहाँ पे देखें क्रॉस ओवर जनरेट हो रहा है, रेड लाइन ऊपर आ रही है एंड और यहाँ पे देखें यहाँ पे आप निकल जाते एंड वुड हैव मेड अ प्रॉफिट टिल हेयर, यहाँ पर जहाँ पे जो ट्रेंड वीक हो रहा है, तो आप इसको फॉर एग्जाम्पल आप इसको लगाएं, आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल क्रॉस ओवर पर आप जो बुकिंग करते अपनी, तो यू वुड हैव बॉट इट अराउंड 112 एंड यू वुड हैव सोल्ड इट अराउंड 19 अगेन। तो ये एक शॉर्ट टर्म का एक प्रॉफिट होता, अगर आप उसको यहाँ पे लो शॉर्ट सेल करके लो पे भी बेच सकते थे, लेकिन आप मेक श्योर कि आप जब भी टेक्निकल एनालिसिस से काम कर रहे हैं, चार्टिंग पे काम कर रहे हैं, तो डोंट यूज़ ओनली सिंगल यू नो व्हाट आई कॉल द इंडिकेटर, यूज़ मल्टीपल इंडिकेटर्स। अगर हम इसी जगह यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, बाय का सिग्नल आया, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लग रहा है, हमने यहाँ पे बाय किया एंड अगेन जब हमने पिछला यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल किया था, अगर आपने नोट किया होगा, तो ये यहाँ पे जाके हमें आखिर में सिग्नल दे रहा था सेल का, लेकिन यहाँ पे देखें जो हमने बाय सेटिंग्स खुद लगाई हैं, जो सीक्रेट सॉस है, ये बहुत करीब ही जाके हमें बता रहा है कि ये आगे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, और हिस्टोग्राम बता रहा है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, और ये लाइनें इतनी करीब आ चुकी हैं कि देर इज़ अ वेरी पॉसिबिलिटी कि इनके अंदर क्रॉस ओवर जनरेट हो। तो इससे एक अच्छी इंडिकेशन हो जाती है अगर कि वी शुड नॉट ट्रेड इन दिस करंट मार्केट। तो जैसे ही यहाँ पे आके क्रॉस ओवर एक जनरेट होता है, यहाँ देखें यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट हुआ और आपने यहाँ पर 114 पे आपने या 115 पे आपने शॉर्ट किया, 115 पे शॉर्ट किया, फिर आपको जाके वो कितने पे दे रहे हैं, 106 रुपये पे। अब यहाँ पे नोट करें यहाँ पे कितना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, और देखें कितना शार्पली टूल काम कर रहा है कि हमें एक प्रॉपरली सिग्नल और क्रॉसओवर जनरेट्स मिल रहे हैं, और प्रॉपरली हमें तकरीबन 115 से 106 मतलब 9 रुपये का एक प्रॉफिट मिल रहा है। उसी जगह हमने जब मैकडी देखा था, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर हमें जो क्रॉसओवर एक जनरेट मिल रहा यहाँ पर मिल रहा था कि भाई अब नाम क्या है, आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करें, फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट सेल करते 112 पे, फिर आपको नेक्स्ट जो क्रॉसओवर मिल रहा था कि आप इसको बाय कर दें एंड इट वुड हैव बीन इवन 13, मतलब आप 1-2 रुपये के लॉस में जा रहे थे। सो इट्स अ बाय डिफॉल्ट जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं 12-26-9 पे, सो इट्स अ वेरी वेरी बैड डिसीजन, और इसलिए लोग मैकबी तो सीख के आते हैं कुछ कंपनी से, कुछ लोगों से, लेकिन स्टिल दे आर इन यू नो व्हाट आई कॉल लॉसेस। सो दैट इज़ द प्रॉपर रीज़न कि आपको हमेशा जब भी मैकडी इस्तेमाल करें पहले अपने सेटिंग्स को चेंज करें 5-8-5, और कुछ लोग इवन जो ज़्यादा शार्प टूल कहते हैं और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं 1 आवर 5 मिनट 15 मिनट, दे स्टिल यूज़ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए 5 मिनट के लिए, तो आप ये ना इस्तेमाल करें। 1 आवर के चार्ट्स पे लोग इसको स्टिल दे अप्लाई फॉर 4-6-4 सेटिंग, 4-6-4 की सेटिंग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करंटली आई एम गुड विद 585। इसको हम नेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं, यहां पर देखें क्रॉस ओवर जनरेट, फिर यहां पे क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, वी हैव मेड अ प्रॉफिट अगेन, यहां क्रॉस देखें कितना अर्ली प्रॉफिट दे रहा है, इसमें ही इसने क्रॉस ओवर जनरेट किया और बता दिया कि भाई आप बाय करें। एंड फॉर एग्जांपल आपने नेक्स्ट डे बाय किया क्योंकि आपने वेट किया कि भाई क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, नेक्स्ट टाइम बाय कर लो, 110 पे आपने नेक्स्ट डे बाय किया, 110 लगा देते हैं क्योंकि मार्केट ने ऊपर नीचे का बड़ा चक्कर लगाया, तो आप समझे कि आपने 111 पे बाय किया, चलो 110-50 लगाते हैं, 110 पे 50 पे बाय किया एंड अगेन नेक्स्ट क्रॉसओवर जनरेटेड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो ऐसे समझे हम 111 पे उसको बेचेंगे। हम यहाँ ऊपर भी बेच सकते थे, लेकिन अगर आप सोलोली मैकडी ट्रेड का इस्तेमाल करें तो आप तकरीबन यहाँ पे बेचते, क्योंकि आप समझते यहाँ पे एक तो सबसे जो हिस्टोग्राम है वो वीक पड़ता जा रहा है, और यहाँ पे चांसेस है इस जब इसने यहाँ से टर्न लिया तो देयर वॉज चांसेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो आप इसको 112-113 या 112-113 तक आप इसको निकाल देते, तो ये भी एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता, लेकिन आप जब
भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं MACD, इसके साथ कोई और इंडिकेटर भी इस्तेमाल करें एंड स्टिल विद द शॉपिंग टूल हमारे पास बहुत अच्छे सिग्नल आ रहे हैं। और अब हम इसमें थोड़ा कुछ लॉन्ग टर्म देखते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। वी विल अप्लाई फॉर TRG, अप्लाई करके देखते हैं। TRG बहुत अच्छा जा रहा है आजकल, बहुत फ्लक्चुएटिंग है एंड दैट्स वाई इट्स वेरी हॉट स्टॉक नाउडेज। नाउडेज तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बड़े अरसे से एक हॉट स्टॉक है। अब यहाँ पे देखें, ठीक हो गया, हम इसको पकड़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखें, देयर इज अ क्रॉस ओवर जनरेटेड, रेड लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे है, हिस्टोग्राम ये वीक शो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप कहीं पर भी ट्रेड नहीं करते और ना ही करना चाहिए, क्योंकि बहुत करीब है लाइंस और हिस्टोग्राम भी बहुत वीक है, मतलब कोई भी ट्रेंड नहीं है, ये एक बीच की लाइन है। देर इज़ नो ट्रेंड, देर इज़ नो अप ट्रेंड, नो डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पे एक ट्रेड करना बेवकूफ़ी होगी। इन दोनों को यहाँ पर तक आप ठंडे पड़े रहेंगे, यहाँ पर भी आप ठंडे पड़े रहेंगे, ये पॉइंट है, यहाँ पर लाइन के बीच में गैप आ गया एंड द हिस्टोग्राम शोज कि भाई अब जो ऊपर वाला जो कि रेड लाइन ऊपर आ गई है तो मतलब अब डाउन ट्रेंड में जाएगा, और हिस्टोग्राम शोर करे भाई यहाँ अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहे हैं, डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो आप यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर नहीं नेक्स्ट डे शॉर्ट किया, फॉर एग्जांपल 135 पे शॉर्ट कर दें, आप ज़्यादा 137 पे ना जाएं, पीक पे हम नहीं जा रहे, हम 135 पे शॉर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे भी हमने होल्ड किया, थर्ड डे भी हमने होल्ड किया, फोर्थ डे पे देखें ये थोड़ा वीक पड़ रहा है स्ट्रॉन्ग और बहुत करीब लाइन आ रही है, तो वी वुड हैव मेड इट, हम यहाँ से कहीं पर निकल जाते, हम 137 से 127 पे निकल जाते हैं, वी वुड हैव मेड इजी प्रॉफिट इन 1, 2, 3 एंड द फोर्थ डे, चौथे दिन हम 10 रुपया पर शेयर स्टॉक पे बना सकते थे अगर हम राइट डिसीजंस ले रहे होते। इनकेस यहाँ पर फिर अगेन आपने प्रॉफिट बुकिंग की, आपको क्रॉसओवर जनरेट किया जहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर रहे थे, अब आप उल्टा बाय करें। और मेरी एक सजेशन है, जब भी आप शॉर्ट सेल करें मेक श्योर कि शॉर्ट सेल फ्यूचर में करें, और जब भी बाय करें मेक श्योर टू बाय इट इन योर रेगुलर मार्केट में, इसको बाय करें, फ्यूचर में बाय ना करें। तो यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट करते हुए आपने यहाँ पे बाय किया एंड द नेक्स्ट डे यहाँ पे हिस्टोग्राम भी स्ट्रांग है एंड द मार्केट गोज अप, The market goes up and still there is no crossover. करीब लाइनें आ रही हैं, लेकिन हमें एक और चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जब आपको एक मार्केट साइकोलॉजी बनानी चाहिए, जब आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको ज़्यादा होल्ड करें, क्योंकि देयर इज सम टाइम पॉसिबिलिटी कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपने आपको 136 का आपने समझे कि आप समझते हैं आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, आप एक काम करें, आप कहें कि यार अगर यहाँ पे अगर आप कहें यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे आप बैठे हैं, आप कहें यार ठीक है मैंने यहाँ तक का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मैं बुक करके निकल सकता हूँ, लेकिन आप एक छोटा सा लो टारगेट बना लें कि यार अगर ये 136 या नेक्स्ट डे भी यहाँ पे या ये पिछले लोअर 132 को हिट करता है, आई वुड सेल इट, आप 3-4 रुपए का पर स्टॉक लॉस कबूल करें, लेकिन आप एक कहते हैं ना को प्रॉफिट में आप अपना स्टॉप लॉस बनाएं, तो यहाँ पे प्रॉफिट में आप अपना स्टॉप लॉस बनाएं, आपको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है, 3 रुपए कम मिल रहा है नो डाउट, लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि आप उसको ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिकेटर बता रहा है कि देर इज़ नो प्रॉपर स्टॉप, देर इज़ नो प्रॉपर क्रॉस ओवर, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी इट विल गो अप, और हम उसको होल्ड किया 132 क्योंकि प्रीवियस कैंडल के हिसाब से, जिसके बारे में हम कभी कहीं और बात करेंगे कैसे डिसाइड करते हैं, एंड यू सी दैट इट वेंट अप, आपने होल्ड किया, आपने सेल नहीं किया, क्योंकि आप जब भी एनालिसिस कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, अपने जो एनालिसिस जो स्क्रीन बता रहा है उस पे रहें, अपने तरफ से कुछ ना बनाएं कि यार अब इमोशनली ना हो, जो स्क्रीन बता रहा है देखें ये बता रहा है यहाँ पे क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, आप नेक्स्ट डे सेल कर दें। अब आप देखें 125 से आप यहाँ पे आपने कहीं 155 पे सेल किया, 25 रुपीज ऑफ प्रॉफिट, और यहाँ पे फिर एक और क्रॉसओवर जनरेट हुआ एंड यू शॉर्ट सेल इट। सो इट्स अ वंडरफुल यू नो इंडिकेटर इफ यू अप्लाई द फॉलोइंग यू नो द मिक्सचर सॉस, आप उसको सीक्रेट सॉस कह सकते हैं, इन सेटिंग्स को अप्लाई करें, और बहुत सारे ट्रेडर इवन पाकिस्तान में भी इस जो सेटिंग्स पे काम कर रहे होते हैं, एंड आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल you know indicator when you are buying or selling stock for the very not very long term very short term, hum isko keh sakte hain
आप इसको वन डे चार्ट पे इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा है, क्योंकि डे चार्ट्स पे आपको मतलब फ्यूचर इजीली पता लगता है, और आप जब इसको आवरली या आप इसको इवन मिनट्स पे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें मैसी हो जाती हैं, इतना शार्प टूल नहीं रहता। लॉन्ग टर्म में टूल्स शार्प रहते हैं। और अगर आप समझते हैं कि मैं अपनी इस वीडियो में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर लीव अ कमेंट, सब्सक्राइब करें और चैनल को यार शेयर करें। यही एक तरीका है इस चैनल को सपोर्ट करने का, बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें और लोगों को लाएं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। एंड इट्स अ वेरी सस्टेनेबल मार्केट, जो आपके छोटे हैं उनको जल्द से जल्द लाएं, एंड वी विल डेफिनेटली मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, आप भी प्रॉफिट बनाएंगे। एंड दिस मार्केट इज़ फॉर यू, एंड लॉन्ग टर्म रहें इसमें, हमेशा रहें। इट्स नॉट लाइक कि आप इसको सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए आ रहे हैं, ये आपको कभी फ़ायदा देगी कभी लॉस देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही देगी अगर आप इसको सीख के करते हैं। एंड आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड गेटिंग योरसेल्फ एजुकेटेड। थैंक यू फॉर विजिटिंग डॉक्टर सागन, एंड वी विल कैच यू अनदर वीडियो। कीप विजिटिंग।